नेता हैं, हम लोग इसे जानना चाहेंगे कि क्या अभी जो देश में घटना घटी है हाथरस में, क्या दृष्टिकोण है आपका? हमारा दृष्टिकोण देखिए, मैं तो उस घटना से बहुत ही हतप्रभ हूँ और आप लोग माध्यम से कहना चाहता हूँ, योगी जी को संदेश देना चाहता हूँ कि योगी जी आपका काम है हिंदू संस्कृति को बढ़ावा देना, आप उसको भी सही से नहीं कर पा रहे हैं और आप जो है जाकर के सीधे सीधे उत्तर प्रदेश की कुर्सी को संभाल लिए, तो आपका जो काम है आप उस काम को करिए, आपका काम है मठ में बैठ करके हिंदू संस्कृति को बढ़ावा दीजिए, हम भी आपके साथ रहेंगे हिंदू होने के नाते, लेकिन आप एक काम मत करिए। चाणक्य ने कहा था, सीधी सी बात कही थी कि जो सन्यासी होता उसे राजा नहीं बनना चाहिए क्योंकि उसे जनता के दुर्दशा से कोई सरोकार नहीं है, लेकिन योगी जी को कौन समझाए, ये जंगल छोड़ करके सीधे मंगल करने चले गए, जबकि जो सन्यासी होता है वह पूरे राजपट को छोड़ करके चला जाता है, किसी मठ में सन्यास लेना लेता है। तो मैं योगी जी से आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि उस राज को छोड़े और आकर के हिंदू संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए मठ में बैठे और घंटा बजावें। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने एक बात कही थी योगी जी को लेकर के कि आप लोक भवन की कुर्सी छोड़ करके और अपनी पुरानी गति संभाल लेना चाहिए, कितना वक्त तक ये सामंजस्य बैठा रहा है? 70% सामंजस्य है, क्योंकि उन्होंने इसलिए कहा था, वो 5 साल सत्ता पे थे, उन्होंने विकास करके दिखाया था, विकास का जो रास्ता समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री जी ने जो दिखाया था उस मॉडल पे चलने का काम कर नहीं रहे, ये यहाँ पर आए हिंदुत्व का एजेंडा लागू कर रहे हैं, तो यदि आपको हिंदुत्व का एजेंडा ही लागू करना है तो मंदिर में बैठ के हिंदुत्व का एजेंडा लागू करिए, कौन आपको रोक रहा है? इसलिए मैं उनकी बात को 100% समर्थन करता हूँ और निवेदन भी करता हूँ कि योगी जी को लोग भवन छोड़ करके गोरखनाथ मंदिर में आकर के बैठ जाना चाहिए, या इससे बड़ा मठ और बन गया है अयोध्या में, वहाँ पर जाकर के अपनी और तैयारी करें। NCRB की रिपोर्ट है और उत्तर प्रदेश क्राइम में एक नंबर पे जा रहा है, आखिर ये किस तरीके का शासन चला रहा है? एकदम जाएगा, जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री के ऊपर, उप मुख्यमंत्री के ऊपर, इनके दर्जनों मंत्रियों के ऊपर ये 2 दर्जन से लगाए 3 दर्जन तक मुकदमे हो तो निश्चित तौर पे अपराध का ग्राफ तो बढ़ेगा ही, जैसा राजा रहेगा उसका नेचर करेगा, अपराधी राजा जब बैठ जाएगा, सबसे बड़ा माफिया जब कुर्सी पर बैठा रहेगा, तो निश्चित तौर पर जंगल राज, माफिया राज, गुंडा राज कायम होना ही होना है। क्या संदेश देना चाहेंगे? हम संदेश देना चाहेंगे आपके माध्यम से पूरे प्रदेश की जनता को कि आदरणीय अखिलेश यादव के द्वारा जो मॉडल 12 से 17 तक विकास का मॉडल दिखाया गया था, आने वाले 2022 के चुनाव में उस विकास के मॉडल को चुने और घंटा बजाने वाले मॉडल को विदा दें। धन्यवाद।